हेलो स्टूडेंट, आज अपन एग्रीकल्चर की न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो एमपी मतलब मध्य प्रदेश से एग्रीकल्चर में बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। इन वैकेंसियों की अपन डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हैं कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, इनकी अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें एमपी से, मतलब टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है तो 2000 के लगभग टोटल पोस्ट निकाली गई है और अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। इनकी सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग सिलेबस है। इन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि इन सब पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब से इसके मतलब लास्ट डेट कब है, इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस क्या है और साथ में अपन इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट यही सवाल करते हैं कि इसमें अदर स्टेट वाले बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब जो एमपी का नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश का नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राजस्थान वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे अदर स्टेट वाले। यहाँ पे आप वैकेंसियों को देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट आ रखी है। तो यहाँ है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास जो एमपी में वैकेंसी आ रखी है, इसकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की, तो इसमें टोटल पोस्ट है 1852, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आ रखी है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 186 पद है और जो एससी कैटेगरी है, जनजाति कैटेगरी है, उसके लिए 298 पद है और अनुसूचित जनजाति है मतलब एसटी कैटेगरी है उसके लिए 268 पद है। टोटल पद की बात करें तो 1852 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। जैसे कि प्रयोगशाला सहायक टेक्नीशियन है, इसकी टोटल 13 पोस्ट है। तो ऐसे ही आप इनकी देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी पोस्ट भी देख सकते हैं। टोटल पद के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1946 यहाँ पे टोटल पद हैं। सबसे पहले अपन इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि, मतलब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 17 अप्रैल 2023 से और एप्लीकेशन मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 1 मई, इसकी लास्ट डेट है। 1 मई से पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करवाने की जो प्रारंभ तिथि है वो 17 अप्रैल है और जो अंतिम तिथि है वो 6 मई है। इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी एग्ज़ाम 15 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी आ रखी है और अलग अलग शिफ्ट में इसकी वैकेंसी होगी। आपसे मतलब 4 से 5 दिन इसके एग्ज़ाम लगेंगे और अलग अलग शिफ्ट में लगेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें, मतलब फॉर्म शुल्क के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और अदर स्टेट वाले हैं, उनके लिए 500 रुपये फॉरम फीस है और एमपी के स्टूडेंट है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 250 रुपये प्रति व्यक्ति फॉरम फीस लगेगी और जो व्यक्ति विकलांग है उनके लिए फॉरम फीस कुछ भी नहीं लगेगी। यहाँ पे जो ये वैकेंसी दे रखी है, इनका आप टाइम टेबल देख सकते हो, यहाँ रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है और इसमें जो पेपर के लिए आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा वो आप देख सकते हो किस प्रकार से देख रखा है यहाँ पे। तो इसमें 2 ग्रुपों में आपकी एग्ज़ाम होगी, वो भी आप देख सकते हो। ये कुछ रूल्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। इस वैकेंसी के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट होकर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अपन सिलेबस के बारे में बात करें, जैसे कि ग्रुप 1 के सिलेबस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स को होंगे, मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा और सेकंड पेपर 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर के बारे में बात करें, सिलेबस में क्या क्या आएगा आपके में, तो सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, मतलब जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ आएगी आपके पास में और सामान्य विज्ञान व सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान, इन सब के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और संबंधित विषय आधारित प्रश्न, मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। अदर सभी सब्जेक्टों के भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और एग्रीकल्चर के भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे आपको 200 नंबर का पेपर आएगा और 200 क्वेश्चन होंगे।
यहाँ पे अपन एज लिमिट मतलब आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से 40 इयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम मैक्सिमम आयु के बारे में बात करें तो 40 इयर्स से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, और जो अपनी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी, मतलब एज रिलेक्शन आयु में छूट भी दी जाएगी 5 वर्ष की। तो जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और वो एमपी से हो तो उनको छूट दी जाएगी 500 रुपये की, मतलब 5 साल की छूट दी जाएगी।